जय श्री राम मित्रों, श्री सीता राम के विवाह की औपचारिकताएं। महाराज दशरथ और महाराज जनक के पूर्वजों का विस्तार पूर्वक वर्णन। अयोध्या में श्री सीता राम के विवाह की तैयारियां और अयोध्या से बारात मिथिलापुरी में पहुंची। महाराज जनक के कनिष्ठ भ्राता कुशध्वज शंकाश्यपुरी में रहकर राज्य का प्रबंध किया करते थे। सीता जी के विवाह का समाचार पाकर महाराज वे भी शंकाश्य से मिथिला आ गए। अपने अग्रज महाराज जनक तथा गुरु शतानंद जी को प्रणाम करने के पश्चात वे बोले, हे भ्राता, अयोध्यापति पधार चुके हैं, इसलिए अब विवाह संबंधी कार्यों का शुभारंभ कर देना चाहिए। इस पर जनक जी ने शतानंद जी से कहा, हे गुरुवर, भाई कुशध्वज के कहने के अनुसार हमें शुभ रीतियों और विधि विधानों के अनुसार कार्य प्रारंभ करना चाहिए। अतः आप शीघ्र जाकर अयोध्यापति महाराज दशरथ को राजकुमारों सहित आदर पूर्वक यहाँ लेवा लाइए। शतानंद जी जनवासी में महाराज दशरथ के पास पहुंचे और उनसे आदर पूर्वक बोले, महाराजाधिराज मिथिला नरेश महाराज जनक अपने कनिष्ठ भ्राता कुशध्वज परिजनों एवं समस्त मंत्रियों के साथ आपके दर्शन के लिए उत्सुक हैं और अपने दरबार में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए आप अपने मंत्रियों सहित पधारकर उन्हें कृतार्थ कीजिए। राजा जनक का संदेश पाकर राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ मंत्रियों एवं राजकुमारों के साथ वहां पहुंचे, जहां राजा जनक उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। मिथिलापति ने खड़े होकर उन सबका स्वागत किया और उन्हें बैठने के लिए यथोचित स्थान प्रदान किया। जब सब अपने अपने स्थानों पर विराजमान हो गए तो इक्ष्वाकु वंश के गुरु वशिष्ठ जी ने राजकुमारों का गोत्र पढ़ना प्रारंभ किया, जो इस प्रकार था, आदि रूप स्वयं भू ब्रह्मा जी से मरीच का जन्म हुआ, मरीच के पुत्र कश्यप हुए, कश्यप के विवस्वान और विवस्वान के वैवस्वत मनु हुए, वैवस्वत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु हुए, इक्ष्वाकु ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया और इस प्रकार इक्ष्वाकु कुल की स्थापना की। इक्ष्वाकु के पुत्र कुक्षी हुए, कुक्षी के पुत्र का नाम विकुक्षी था, विकुक्षी के पुत्र वाण और वाण के पुत्र अनरण्य हुए, अनरण्य के प्रथु और प्रथु से त्रिशंकु का जन्म हुआ, त्रिशंकु के पुत्र धुंधुमार हुए, धुंधुमार के पुत्र का नाम युवनाश्व था, युवनाश्व के पुत्र मानधाता हुए और मानधाता से सुसंधि का जन्म हुआ, सुसंधि के दो पुत्र हुए, ध्रुवसंधि एवं प्रसेनजित, ध्रुवसंधि के पुत्र भरत हुए, भरत के पुत्र असित हुए और असित के पुत्र सगर हुए, सगर के पुत्र का नाम अश्मंज्य था, अश्मंज्य के पुत्र अंशुमान तथा अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए, दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए। इन्हीं भागीरथ ने अपनी तपोबल से गंगा को पृथ्वी पर लाया। भागीरथ के पुत्र ककुत्सथ और ककुत्सथ के पुत्र रघु हुए, रघु के अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी नरेश होने के कारण उनके बाद इस वंश का नाम रघुवंश हो गया। रघु के पुत्र प्रवृद्ध हुए, जो एक शाप के कारण राक्षस हो गए थे। इनका दूसरा नाम कल्माषपाद था। प्रवृद्ध के पुत्र शंखण और शंखण के पुत्र सुदर्शन हुए, सुदर्शन के पुत्र का नाम अग्निवर्ण था। अग्निवर्ण के पुत्र शीघ्रंग और शीघ्रंग के पुत्र मरु हुए, मरु के पुत्र प्रशुश्रुक और प्रशुश्रुक के पुत्र अम्बरीश हुए, अम्बरीश के पुत्र का नाम नहुष था, नहुष के पुत्र ययाति और ययाति के पुत्र नाभाग हुए, नाभाग के पुत्र का नाम अज था, अज के पुत्र दशरथ हुए और दशरथ के ये चार पुत्र रामचंद्र भरत लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न हैं।
इक्ष्वाकु कुल का वर्णन करने के पश्चात वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, अब आप भी अपनी वंश परंपरा का परिचय दीजिए, क्योंकि विवाह जैसे मांगलिक अवसरों पर दोनों ही कुल अपने अपने वंश का परिचय देते हैं। महाराज जनक बोले, महर्षि, आपने सर्वथा उचित बात कही है, अब मैं भी अपने कुल का परिचय देता हूँ। प्राचीन काल में निमि नामक एक धर्मात्मा राजा थे, उनके मिथि नामक पुत्र हुआ, जिन्होंने मिथिला बसाई। मिथि के पुत्र का नाम जनक था, उन्हीं के नाम पर मिथिला के राजा लोग जनक कहलाते हैं। जनक के पुत्र उदावसु और उदावसु के पुत्र नंदीवर्धन हुए। नंदीवर्धन के पुत्र का नाम शूरवीर था। शूरवीर के पुत्र सुकेतु और सुकेतु के पुत्र देवराज हुए। देवराज के पुत्र का नाम बृहद्रथ तथा बृहद्रथ के पुत्र महावीर और महावीर के पुत्र सुद्रति हुए। सुद्रति के पुत्र का नाम धृष्टकेतु था। धृष्टकेतु के पुत्र हयर्ष्व और हयर्ष्व के पुत्र मरु हुए। मरु के यहाँ प्रतिंधक की उत्पत्ति हुई। प्रतिंधक के पुत्र कीर्तिरथ, कीर्तिरथ के पुत्र देवमीड, देवमीड के पुत्र विबुध और विबुध के पुत्र महिंद्रक हुए। महिंद्रक के पुत्र का नाम कीर्तिरथ था। कीर्तिरथ के पुत्र महारोमा, महारोमा के पुत्र स्वर्णरोमा और स्वर्णरोमा के पुत्र हर्षवरोमा हुए। हर्षवरोमा के दो पुत्र हुए, उनमें से बड़ा मैं हूँ और मुझसे छोटा कुशध्वज है। हम दोनों भाई इसी प्रदेश में रहकर राजकाज संभालते थे। कुछ काल पहले शंकाश्य के पराक्रमी राजा सुधन्वा ने मिथिला पर आक्रमण कर दिया। वह चाहता था कि मैं सीता का विवाह उसके साथ करूं। मैंने उसकी मांग पूरी नहीं की, इसलिए उसके साथ मेरा युद्ध हुआ, जिसमें सुधन्वा मेरे हाथ से मारा गया। तब से मेरा कनिष्ठ भ्राता कुशध्वज शंकाश्य पर शासन करता है और मैं मिथिला पर। मैं अपनी बड़ी पुत्री सीता का विवाह राजकुमार रामचंद्र के साथ और छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह उनके कनिष्ठ भ्राता लक्ष्मण के साथ करना चाहता हूँ। मैं तीन बार इस बात को दोहराकर अपनी दोनों कन्याएं आपको वधुओं के रूप में समर्पित करता हूँ। फिर वे राजा दशरथ से कहने लगे, हे नृपश्रेष्ठ, अब आप इनसे गोदान कराकर नंदी मुख श्राद्ध का कार्य संपन्न कीजिए। इसके पश्चात लोक प्रचलित पद्धति के अनुसार विवाह का कार्य आरंभ कीजिए। यह अवसर सर्वथा उपयुक्त एवं कल्याणकारी है। आज मघार नक्षत्र है, आज से तीसरे दिन फाल्गुनी नक्षत्र होगा। इससे उपयुक्त समय विवाह के लिए दूसरा नहीं हो सकता। आप इन दोनों भाइयों के अभ्युदय के लिए गौ भूमि, स्वर्ण, तिल आदि का दान कराइए। राजा जनक के कथन समाप्त होने पर महामुनि विश्वामित्र बोले, हे राजन, आप और राजा दशरथ दोनों के ही कुल पूर्णतया धर्मपरायण, कीर्ति युक्त एवं समान हैं। अतः इन दोनों कुलों में विवाह संबंध सर्वथा उपयुक्त है। सीता और उर्मिला भी राम और लक्ष्मण के सर्वथा उपयुक्त हैं। आपके कनिष्ठ भ्राता कुशध्वज भी आपकी ही भांति धर्मपरायण एवं प्रतिभा संपन्न हैं। इनकी भी दो रूपवती सुंदर एवं विवाह योग्य कन्याएं हैं। हे नरश्रेष्ठ, मैं चाहता हूँ उनका भी विवाह महाराज दशरथ के दो योग्य और पराक्रमी पुत्रों भरत और शत्रुघ्न के साथ हो जाए। विश्वामित्र की बात सुनकर जनक बोले, हे मुनिवर, आपके इस आदेश को स्वीकारते हुए मैं अपने कुल को धन्य समझता हूँ। आप भरत और शत्रुघ्न को आज्ञा दीजिए कि वे कुशध्वज की दोनों कन्याओं मांडवी एवं श्रुति कीर्ति को अपनी अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। इसके बाद मिथिला नरेश से अनुमति लेकर राजा दशरथ वशिष्ठ जी और विश्वामित्र के साथ जनवासी में लौट गए। दूसरे दिन चारों राजकुमारों ने याचकों को एक एक लाख स्वर्ण मंडित सींगों वाली गौएं दान दी और भी बहुत सारा धन आभूषण रत्न
आदि ब्राह्मणों को दान दिए। तो बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मित्रों ये प्रसंग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं श्री सीताराम जी के विवाह को लेकर, तब तक के लिए जय श्री राम।